Welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. Today I'm discussing about one very important issue जहाँ पे आपको और मुझे unnecessary जैसे ये लड़ाई के या unnecessary गलत argument के अंदर हमें घुसाया गया, which is Professor Faizan Mustafa जी का video, wherein he mentioned that CLAT coaching के उस्ताद, ठीक है, what are they doing, ठीक है. तो आज का ये video मैं उन महत्वपूर्ण बातों के ऊपर फोकस करना चाहूंगा जहां पे प्रोफेसर मुस्तफा जी ने उसको ट्रिविलाइज कर दिया या उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और मेन मुद्दे पे नहीं आए. ठीक है, जब क्लैट का एग्जाम खत्म होता है हर साल, ठीक है, दैट इज 2020 या 2019 हो, ठीक है, ऐसी जो भी एग्जामिनेशन होती है उसके बाद, अब क्लैट छोड़ दीजिए, कैट ले लीजिए या JEE ले लीजिए या नीट ले लीजिए, हर जगह पे एग्जाम के बाद किसी के सर के ऊपर है ना कुछ न कुछ बोला जाता ही है. यस और नो, दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी नॉर्मल. यस और नो, भैया JEE वाले कैसे पेपर बनाते हैं, कैट वालों ने ये नहीं ध्यान रखा कि फलाना क्वेश्चन क्यों बनाया, UGC नेट वालों ने फलाना, मतलब UGC नेट में तो कभी मौका ही नहीं आया कि ऐसे क्वेश्चन के पंगे हो, बट फिर भी तो दैट्स रीजनेबल है ना, दैट इज रीजनेबली एक्सेप्टेबल, ठीक है, कि भैया ऐसा कुछ होता है, ठीक है. पर उसके अंदर जो इतना बड़ा नॉइज हुआ, ठीक है, इतना बड़ा हल्ला हुआ पूरे देश में, ठीक है, उनमें से जो काम की चीज है ढूंढ सके, ठीक है, वो अगर ढूंढ सके तो वो हमारे देश को, ऐसे टीचर्स हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे. मेरा मानना है कि प्रोफेसर मुस्तफा जी ने एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इस लीगल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए. उनके पास आगे फ्यूचर में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, इतने सालों में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया होगा, आई डोंट नो कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा, मैंने कभी उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं जाना. व्हाट आई नो, ठीक है, व्हाट आई ऑब्जर्व हिम इज ऑन वन ग्राउंड दैट ही इज द हेड ऑफ क्लैट कंसोर्शियम, हाउएवर इट इज अ टेम्पररी पोस्ट, ठीक है, बट ही इज द हेड ऑफ इट. ओके, एंड व्हेन ही इज द हेड ऑफ इट एंड ही कम्स आउट ऑन अ यूट्यूब चैनल, प्राइवेट यूट्यूब चैनल, ठीक है, प्राइवेट यूट्यूब, मतलब नालसार स्पॉन्सर तो लग नहीं रही है. यस नो, अगर नालसार स्पॉन्सर्ड हो तो बता दीजिए, हम वो भी बात मान लेंगे. यस नो, ठीक है, अच्छा, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स भी आती है, मतलब कॉमर्शियल है, ठीक है, चलिए ये सब के ऊपर तो हम बाद में बात करते हैं, हम उसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहते, ठीक है, हम मेन मुद्दे पे आते हैं. ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने इन सब लड़ाई में, ठीक है, क्या किया. ठीक है, उन्होंने कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो बनाया था क्या, या अपने आप को, ये जो आज के यूट्यूब के जमाने में नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, ऐसा मान के उन्होंने वो वीडियो बनाया, आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग विच इज वेरी मच मिसिंग आउट ऑन द फ्रंट ऑफ द लीडर ऑफ द लीगल एजुकेशन. ठीक है, क्या मिस आउट हो गया, उनका रिस्पॉन्स. ठीक है, उनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए था, ठीक है, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में से, इतने सारे नॉइज में से, अगर वो सही चीज चुन पाते कि एग्जैक्टली बच्चों का सही प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगले साल के लिए बच्चों के लिए कुछ और बेहतर काम हो पाता. ये सुनो, ठीक है, पर ही टुक इट इन अ वेरी ऑफेंसिव मैनर. ठीक है, तो उन्हीं के टर्म में अभी वो काफी गुस्से दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, फैजान मुस्तफा जी गुस्सा नहीं हुई है, आपके लिए कुछ नहीं बोला बच्चों ने, बच्चों ने अपने करियर के नजरिए से बोला. ठीक है, दे वर कंसर्न अबाउट देयर करियर. ठीक है, एंड विच इज नॉर्मल, मतलब अगर आप भी एग्जाम देने आते और आपके साथ भी ऐसे हो जाता तो आप भी दुखी होते, है ना, आप भी मतलब गुस्सा हुए ना, है ना, जब लोगों ने आपके ऊपर क्वेश्चन किया आप गुस्सा हुए, तो आप तो बड़े आदमी है, आप तो पढ़े लिखे है, ठीक है, आप तो, जैसे आपकी भाषा में मैं बात करूं, आप तो लीगल ल्यूमिनरी है, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स आप है, ठीक है, तो भैया आपको ऐसी चीज के लिए कहां गुस्सा होना चाहिए, है ना. कबीर के दोहे के अंदर कबीर जी ने बताया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाई,
सार सार को गही रहे थोया दही उड़ाए। ठीक है भैया, थोड़ा सा हैवी हो गया था तो मैंने सोचा कि उसके कुछ टर्म भी आपको मैं बता दूं। ठीक है, कबीरदास बोलते थे कि व्यर्थ और केवल कहे जाने वाले पंडित को पंडित और साधु नहीं मानते हैं कबीर जी। कबीर जी उन लोगों को साधु मानते हैं जो क्रोधी स्वभाव के नहीं होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सूप, सूप एक अन्न से एक साधन होता है जो अन्न में से गंदगी निकालता है, छन्नी होती है वैसा। ठीक है, ओके, सो एक जिस प्रकार सूप अन्न के दाने और उसमें भरे कंकड़ पत्थर और वह अवशेषों को छाटकर बाहर निकाल देता है, वैसे ही। ठीक है, इन सब कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब नॉइज में से अगर क्लैरिटी दिखा सके, ठीक है, तो लीगल एजुकेशन के जो ल्यूमिनरी है ना, उनके हाथ में जो एक बड़ी बागडोर है, उसको बहुत बेहतर वे में आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, लोगों ने उनके ऊपर क्वेश्चन किया, उन क्वेश्चन को उन्होंने संदेह मान लिया। ठीक है, लोगों ने उनको क्वेश्चन किया एंड ही फेल्ट इट इज संदेह ऑन हिज कैपेबिलिटी, नोबडी इज क्वेश्चनिंग हिज कैपेबिलिटी। ठीक है, शायद हमने उनके जो लॉ वेब सीरीज इसके जो मॉड्यूल देखे होंगे, ज्यादातर सब बच्चों ने देखे होंगे, ये सुनो, और हम देखते ही रहते हैं और देखते ही रहेंगे। अगर आप अच्छे वीडियो बनाते रहोगे और इस तरीके से बायस नहीं रखेंगे, हम देखते रहेंगे, ये सुनो। ठीक है, बात तो बिल्कुल वाजिब है कि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस, आपका इतना सारा नॉलेज, ठीक है, हम क्यों नहीं उसका बेनिफिट हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल उठाना चाहते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, पर इस पूरे लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मिस हो गया, ठीक है, उस नॉइस के अंदर ये मिस हो गया, वो ये है कि आप लोगों के भले के लिए वीडियो अगर बनाते हैं और एज एन इंडिविजुअल सिटीजन बनाते हैं, तो ये बताइए कि आप अगर कंसोर्शियम के हेड है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ओके, और आपका वीडियो ऑफिशियल कंसोर्शियम साइट पे जाता है, तो इजेंट इट अनफेयर, इजेंट इट अगेंस्ट इक्वालिटी, इजेंट इट अगेंस्ट, मतलब इजेंट इट अ क्लियर केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, भरपूर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप रिस्पॉन्स दे रहे हो कि मैं एज अ सिटीजन, अगर आप एज ए सिटीजन ज्ञान देते ना, ठीक है, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल सिटीजन की तरीके से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ गलत किया, बच्चा हमारे चैनल पे नहीं आएगा, ठीक है, किसी और चैनल पे चला जाएगा, हमें हमारा सब्सक्रिप्शन बंद कर देगा, सब कुछ बराबर है, पर आप कौन है? ठीक है, आप उतना तो समझिए। ठीक है, आप कोई नॉर्मल सिटीजन की तरीके से बात नहीं करते हैं। ठीक है, और आपको भी हम नॉर्मल सिटीजन की तरीके से नहीं देखते हैं। ठीक है, आप वीसी है, वाइस चांसलर है, ठीक है, क्या वो बहुत बड़ी एकेडमिक पोस्ट नहीं है? ठीक है, और उसके ऊपर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे हमारे जो कंसर्न्स है उनको अच्छे से ढूंढो। ठीक है, हम मतलब चलो हम मान लेते हैं कि हमने लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ा, लीगल अच्छे से नहीं पढ़ा या पढ़ाया, ठीक है, तो आप ही हमारे इस आर्ग्यूमेंट में से बताइए ना लोगों को कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, ये सुनो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गया कि बच्चे जो ये लॉ एंट्रेंस की एग्जाम देते हैं, उन वो एम्पावर हो चुके विथ करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, ठीक है, एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, दे आर एम्पावर्ड, दे हैव दोज मेथड्स कि क्या बोलना है, कहां बोलना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें बोलना है, तो वो बोल रहे हैं, ये सुनो, और वो अपने लॉजिक को लगाकर अपने अच्छे से जो भी आर्ग्यूमेंट है वो लगा के बता रहे हैं। पर आपको भी पता होगा, ठीक है, कि 60-70 हज़ार में से ऐसे अच्छे जिनका लॉजिक बहुत अच्छा है, वैसे आप तो करीबन 2600 बच्चे आप सिलेक्ट करते हो, तो उन्हीं बच्चों का तो अच्छा होगा, तो आपको भी पता है ना कि बाकी लोगों की जो गलत लॉजिक है वो आपको मतलब उसका तो ब्रंट आपको सहना तो पड़ेगा। लोग अगर आपके लिए कुछ बोलेंगे, आपको पर्सनली नहीं बोलते हैं। मेरा मानना है कि लोग आपको पर्सनली एज अ टीचर, एज अ गुरु, आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया है, आपके ऊपर क्वेश्चन किया गया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ठीक है, आप उस कंसोर्शियम के पर्दे के पीछे सही चीज क्या है,
ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ थिंग, वो ट्रांसपेरेंसी तो लगा दीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गलतियां है, ठीक है, तो आप जो सिस्टम लगा रहे हैं वो सिस्टम लोगों को बताइए ना, ठीक है। आप उतना दिल पे क्यों ले रहे हैं, इतना ऑफेंसिव क्यों हो रहे हैं उस बात पे, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का रिस्पॉन्स तो सही होना चाहिए। ये सुनो, आपने डील किया इस पूरे मैटर को, ठीक है। आई एम श्योर आपने हेनरी एडम्स का ये कोट पढ़ा होगा जहां पे वो बोलते थे, टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स, ठीक है। अगर आप टीचर हैं तो आपका इन्फ्लुएंस हर जगह है, ये सुनो, और आपको उस इन्फ्लुएंस, जिस तरीके से लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर आपके पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सुनो, आपके पास बड़ा पावर है। भगवान ने आपको सरस्वती जी का वरदान दिया है, आप जिस तरीके से है ना, जिस तरीके से शब्द हिंदी में निकालते हैं, इंग्लिश के द्वारा निकालते हैं, उर्दू में निकालते हैं, मतलब भगवान ने सरस्वती का वरदान आपको दिया है, आपके कैसे जीभ के ऊपर सरस्वती जी रखी है। पर अगर आप बच्चों के लिए, जिनके लिए सरस्वती रखी है, उनके लिए अगर आप गलत बोलना चालू करेंगे है ना, उनको बुरा बोलना चाहिए, तो गलत बात है, ठीक है। बच्चे अपने क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, बच्चों के क्वेश्चन पूछने के तरीके अच्छे नहीं होते, आपको सिखाना है, आप सिखाइए, ठीक है। जब बच्चे आपके यहाँ पे आए, आप उन्हीं बच्चों को सिखाइए, ये सुनो, बच्चों ने रेज करा 4000 रुपये, आप क्या करते हो, ठीक है। तो आपको आंसर देना था कि अगर 4000 रुपये का अगर हम इनसे स्कॉलरशिप में यूज करते हैं तो बताइए ना, ठीक है, ऑफिशियली कंसोर्शियम की साइट पे लिखिए, ठीक है, छुपा के रखने का क्या मतलब था, ठीक है। और अगर आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे यूज करते हैं, हम जो फीस देते हैं 4000 रुपीज, अगर आप उसको NLU के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उसको तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, CAG सबको तो तुरंत बोलना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले आके वही इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते कि 4000 रुपया आप क्या करते हो उसका, ठीक है। क्वेश्चन जब बच्चों ने पूछा कि 1000 रुपया, ठीक है, आप ले रहे पर क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन है, और नॉट ओनली योर क्लेट कंसोर्शियम, इट इज नीट, इट इज JEE, एवरीवेयर वो क्वेश्चन आता है, फिर भी बच्चे इतने सारे क्वेश्चन रेस करते हैं ना, पैसा देते हैं ना, तो उधर मत जाइए, फोकस करिए कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बच्चों ने 1000 रुपये के ऊपर सवाल नहीं पैदा करा है, बच्चों ने सवाल यह पैदा करा है कि आपने SBI का पूरा मैथ का क्वेश्चन उठा के अपने पेपर में डाल दिया 4000 रुपये देने के बावजूद आप वैसा करते हैं, ठीक है, उसके उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है। आपने उसके ऊपर बात नहीं करी, ठीक है, आपने बात करी कि हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले गए और हमने वहां पे देखा कि उनके यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, 2023 के कोर्स करा रहे, ठीक है। आपको ये बताना जरूरी है कि 2023 का और 2022 के कोर्सेस इसलिए चलते हैं क्योंकि आप जो बताते हैं अपने वीडियो में एज अ नॉर्मल सिटीजन और जो क्लैट का पेपर आता है उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है, ठीक है। हालांकि मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि पिछले करीबन 2 या 3 सालों से क्लैट कंसोर्शियम ने क्लैट के पेपर की क्वालिटी बिल्कुल बढ़ा दी है, बहुत अच्छा कर दिया है, ये सुनो, ठीक है, आपने कोई गलती नहीं करी है उस बात पे, ठीक है, पेपर अच्छे बनाए हैं, ठीक है, गलती होती है, पेपर बनाने में गलती होती है, दैट्स यू ऑल्सो एक्सेप्ट, आई ऑल्सो एक्सेप्ट, ठीक है, पेपर बनाने में गलती होती है, ठीक है, ओके, पर ऐसी गलती नहीं होती है कि प्लेजरिज्म है ना, आप समझ सकते हैं कि प्लेजरिज्म की वजह से आपके कॉलेज के अंदर, ठीक है, आप ही बच्चों को डिस्कार्ड करोगे, यस और नो, ठीक है, आप ही करोगे ना, नालसार के अंदर आप ही बोलोगे, VC होकर बोलोगे ये प्लेजरिज्म है, ये नहीं चलेगा, इस बच्चे को या तो फेल करो या तो कॉलेज के बाहर। क्या किया जाए कंसोर्शियम के उन ऑफिसर्स का जिन्होंने ये पेपर बनाया, ठीक है, ओके, तो ये बड़ी बड़ी इगेन से चैलेंजिंग इश्यू है, मुझे लगता है कि ऐसी सब चीजों को ट्रिविलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जब यहाँ पे इगेन से हम इगेन से बात करना चाहते हैं, ठीक है, कि भैया स्टूडेंट्स एंड नोबडी इन द कंट्री इज कंसर्न्ड अबाउट द कंसोर्शियम का एंटायर सिस्टम,
ठीक है, कि कैसे होता है, क्या होता है, कौन करता है, कौन नहीं करता है, व्हाट दे आर बॉदर्ड अबाउट द रियलिटी विच इज इम्पैक्टिंग देम, ठीक है, इन देयर करियर। ठीक है, आप बोलते हो कि हमने 2 बजे सबको पेपर दिया, हमने ये अनाउंस कर दिए थे, तो कुछ सेंटर के ऊपर पहले क्यों हुआ? ठीक है, अगर 10 मिनट पहले लोगों को पेपर बट गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, अच्छा कुछ कुछ सेंटर में बाद में टाइम मिला, उसके बारे में आपने कोई स्टडी करी क्या? नहीं करी। ठीक है ना, जो पॉसिबल भी नहीं, अब तो गया एग्जाम, ठीक है, वो तो गया, अब नया साइकिल चालू होगा, बच्चे एक ऐसे एडमिशन मिल जाएगा, बच्चे भूल जाएंगे, हम भी अगले साल की तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, और हम इसकी वजह से आपके पीछे नहीं पड़ पाते हैं। ठीक है, हमारे पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्स होता, ठीक है, और हमारे पास उतना समय के रिसोर्सेस होते, ठीक है, तो हम पक्का आपके पीछे पड़ते, पर नहीं पड़ते हम। ठीक है, हम वापस अगले साल के लिए बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक एक दिन इतनी तगड़ी करंट अफेयर की चीजें आती है जो हमें एक्सप्लेन करने के लिए उनको बहुत मेहनत करवानी पड़ती है। ठीक है, बच्चे खुद भी पढ़ते हैं, बच्चे हमसे एक डायरेक्शन भी लेते हैं। ठीक है, पर मतलब सिर्फ और सिर्फ NLU की जो ब्रांड इक्विटी है, ठीक है, वो ब्रांड इक्विटी बाकी लोगों की नहीं है। ठीक है, अब ये समझे कि ब्रांड इक्विटी को अगर मैं मेजरमेंट पे चला गया, ठीक है, कि IIM और IIT जितना पैसा लेती है सरकार से और उससे ब्रांड इक्विटी जो बनी है और आपकी ब्रांड इक्विटी जो बनी है उसके बारे में अगर सवाल पैदा किया जाए तो आंसर क्या निकलेगा? आपने ही बोला NLU का बना हुआ एक भी बच्चा CGI नहीं बना है 25 साल पहले, अगर ये NLU बने हैं। ठीक है, आपने ही बोला था 25-30 साल पुराने NLUs है, ठीक है, अगर एक भी CGI नहीं बना है तो क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आप इतना सारा एक ऐसे डेवलपमेंट करके, है ना, क्या आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है इस पूरी लड़ाई में, सबसे बड़ा सवाल कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे आते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्लैट की कोई भी बॉडी में नहीं रह सकते हो, ये तो आप समझिए, इजंट इट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, आप अपने YouTube चैनल के ऊपर कुछ बता रहे हो, ठीक है, जो लॉ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लीगल अवेयरनेस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, हमें चाहिए भी ऐसी चीजें, ये सुनो। ठीक है, पर उस समय पे, है ना, जब आप उसको कॉमर्शलाइज कर रहे हो, ठीक है, आपके हर वीडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट आती है, इंक्लूडिंग ये वाला वीडियो, क्लैट 2020 वाला वीडियो, ठीक है, जहां पे आप रिस्पांस दे रहे हो, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं तो एक नॉर्मल सिटीजन की तरीके से बोलता हूं, टिप्स के ऊपर बोलते हो, उन सब के ऊपर अगर आपका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और आप उसी बॉडी के कंसोर्टियम के हेड हो, तो एक तरफ ये पिछा रहे हो और दूसरी तरफ, एक तरफ आपकी प्राइवेट एक्टिविटी और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि हम इस पर्टिकुलर एक ऐसे पोजिशन के हेड है। ठीक है, इजंट इट बैड? आपको इतनी तो समझ, मतलब आई एम श्योर आपके सामने ऐसे केसेस आ चुके होंगे, आप ऐसे केसेस के बारे में वर्डिक भी दे चुके होंगे। ठीक है, आपको इतना नॉर्मल सा जनरल सा समझ तो आता होगा, ये सुनो। ठीक है, अच्छा ये RTI करने जैसा सवाल बनता है, दैट आर देर एनी फेयर बायलॉस बीइंग मेड ऑन द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द कंसोर्टियम? मतलब कल उठ के तो ऐसा हो सकता है कि कंसोर्टियम का जो मेंबर पेपर बनाता है, ठीक है, वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही एक ऐसे अपनी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए और प्लस ये पेपर भी बनाए, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा ही हो रहा है ना अभी तो आपके केस में, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी प्राइवेट यूट्यूब चला रहे हो और वहां पे आप ऐसा कुछ कर रहे हो। खैर ये सुनो, अ बिग क्वेश्चन टू बी रेज्ड। ठीक है, मेरा इस पूरी लड़ाई में, है ना, सिर्फ यही सवाल था कि फैजान मुस्तफा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, है ना, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए था कि ये पूरे नॉइज में से काम की चीज क्या उठानी थी। तो मेरे हिसाब से काम की चीज थी सबसे पहला तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस बात को सेटल करें। ठीक है, है ना, अगर आप नालसार में पढ़ाते हैं, नालसार के VC है, तो अपने प्राइवेट चैनल को बंद कर दीजिए, या तो आप नालसार छोड़ दीजिए और प्राइवेट चैनल चालू रखिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पूरा। और अगर
आप अपनी यूट्यूब चैनल चालू रखना चाहते हैं तो क्लैट के बारे में कुछ भी ना बोले वो तो पक्का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सुनो ठीक है। दूसरी चीज जो से अलग अलग तरीके के बच्चों ने रिस्पॉन्सेस दिए है ना अबाउट दिस ऑब्जेक्शन, तो क्लैट के लिए भी पहली बार था, जेडब्ल्यू में हर साल ऐसा होता है, कैट में हर साल ऐसा होता है, सब बच्चे ऐसा करते हैं, ये सुनो क्वेश्चन रेज करते हैं, दे ऑल्सो क्वेश्चन कि यार ये तो पैसा बहुत ज्यादा है, अगर आप 2 रुपया भी रखेंगे ना 50 रुपया भी रखेंगे ना तो बच्चा हमेशा बोलेगा बहुत महंगा है, ठीक है, एवरीवन विल आस्क दैट क्वेश्चन। तो उस बात को क्यों ट्रिवियलाइज करना, वो आपका सिस्टम है तो रखिए ना सिस्टम, ठीक है, उधर क्यों इनसे बड़ा प्रॉब्लम करना। पर एक रिस्ट्रेंट तो एक्सपेक्टेड था, कोई भी नीट का प्रोफेसर आकर ये नहीं बोलता है कि ये देखो हमारे लिए ऐसा कुछ बुरा बुरा बोला जा रहा है, या जेडब्ल्यू का प्रोफेसर आके नहीं बोलता है, या कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं जाता है, ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, ओके, तो बिल्कुल गलत है, आप भी पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेन एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और इतना नेगेटिव, इतना डिस्पैरेजिंग, इतना ऑफेंडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑलवेज क्रिएट्स सम काइंड ऑफ माइंड ऑफ एक रैशनल पर्सन कि क्यों एक ही कोचिंग के वीडियो की वजह से आप इतने ऑफेंड हो गए, ठीक है। लोग अगर आपको मैसेज करते हैं तो आपने ही रास्ता दिया ना, ठीक है भाई, आज की ये नई दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, ठीक है, यू हैव टू बेयर द ब्रंट व्हेन यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर आप अमिताभ बच्चन को या लेट्स से सलमान खान को या इवन शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा की बात करें, ठीक है, वो इतने लाइमलाइट में है कि अगर उन्होंने एक एक्शन गलत कर दिया ना लोग उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, ये तो आप मानते हैं ना, ठीक है, आपने वो रास्ता चुना, ठीक है, आपने रास्ता चुना, अब लोग आपके ऊपर आ रहे बोलने के लिए, तो डोंट गेट इन टू अ नेगेटिव वे से कि गुरु के ऊपर बोले जा रहा है, ठीक है, लोग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपको बोल रहे हैं, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रिस्पॉन्स चाहते नहीं के एज अ टीचर जो इन चीजों को दिल पे ले ले। टीचर बहुत इमोशनल बंदा होता है, ठीक है, मैं भी बहुत इमोशनल आदमी हूं, जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं, उनको पढ़ाता हूं, उनको समझाने की कोशिश करता हूं, और शायद उसी इमोशन की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो फैजान मुस्तफा जी, इस पूरे नॉइज में से सही चीज बताइए, ठीक है, और सही चीज लोगों तक पहुंचाइए, और इस नई से जो आपने मुहिम चालू करी है क्लैट की, तो मुझे लगता है कि इसको एक सही राह दीजिए, सही डायरेक्शन दीजिए, ये हमें चाहिए, ठीक है। जो भी 2-3 बातचीत के साथ कुछ आगे पीछे हो गया, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट अगले लॉन्ग टर्म फ्यूचर में लोगों को नुकसान न हो ऐसा कुछ करें, ठीक है, ऐसे बारे में कुछ सोचिए, ऐसे पॉजिटिव हमें कुछ दीजिए। फैजान मुस्तफा जी, अगर मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो तो आपका छोटा भाई मान के, ठीक है, मुझे माफ करिएगा, ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको कुछ बुरा बोलूं, ठीक है, हम आपसे बहुत सीखते हैं, ठीक है, पर ये जरूर है कि आप चीजों को ट्रिवियलाइज ना करें, नॉइज में से सही चीज बताइए कि मेन मुद्दा क्या है, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।